प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं मेरीन एक तरफ खत्े में भारत की जंगी जनूनीत ने खतरनाक जंग का माहौल तो और हौसले से मामला फहमी का मुजाह कराए इन कशीदा हालात में जब सरताज अजीज साहब के हारोफ एशिया हार कॉन्फ्रेंस में भारत जाने का फैसला सामने आया तो मुल्क में एक बहस शुरू हुई कि पाकिस्तान को हारोफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए या नहीं वजह थी भारत की बिला फायरिंग जिसके नतीजे में हमारे सिपाही भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं और मासूम बच्चों समेत निहत्ते शहरियों को भी मुसलसल भारतीय फौज भारी असह से निशाना बनाकर आए दिन अपनी बुजरी का सबूत दे रही है मुश्रजाद के साथ अमृतसर पहुंचते हैं तो सफारती आदाब होते हैं ताक रखा इंतहाईल इन्वायरमेंट बनाए रखा अब भारतीय ने सरताज अजीज को सिक्योरिटी का जो बहाना बनाकर जय शुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको करने से रोक दिया यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भारतीय जो है वो सफारती कवानीन के वाज खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं और सरताज अजीज साहब को इस मौके पर होटल से निकलने और बाहर जाने की भी इजाजत नहीं दी जाती जब भी सरताज अजीज पर भारत जाने के हवाले से तनकीद हुई तो उनका जवाब था कि हम अफगानिस्तान के लिए भारत जा रहे हैं जबकि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को भी सबने सुना जिन्होंने भारत उतरते ही अपनी असलियत पर वो तो उतराए और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की अफगानिस्तान भूल गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के डांडे हमेशा अफगानिस्तान से मिलते रहे ये भी याद रखा जाए कि तालिबान पाकिस्तान की सारी अफगानिस्तान में है कशीदा के के माहौल में भारत जाने को भारत हमारी कमजोरी समझेगा या दुनिया इसे पाकिस्तान की एक अम पसंदा कोशिश समझते हुए मुझे बड़ी ताकत बनाने की अमली कोशिश समझेगी इसके अलावा पर सवाल ये भी उठता है कि कशीदगी के इस माहौल में सरताज अजीज साहब को भारत जाना चाहिए बता कि नहीं सवाल यहाँ पर यह भी जहनों में उभरता है कि इस मुल्क से जो हमसाय के आदाब भुला बैठा हो उससे सफारतकारी के आदाब मनोज खाते रखने की उम्मीद रखना दानिशमंदी नहीं हो सकती इस सब पर हम बात करेंगे हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान मौजूद है वाले से भी आपको बताते चले आ, हमारे साथ वजी अजम के मुशीर बरा उमर खार्जा सरताज अजीज साहब मौजूद है दिफाही का जनरल रिटायर्ड अमजद अमजुदेख साहब हमारे साथ मौजूद है सबक अमरीकी सफीर आब्दा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है जबकि तहरीक इंसाफ से सबक वजी खारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है खारजा उमर पर वो किताब भी लिख चुके हैं और गहरी नजर रखते हैं उमर खार्जा पर हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम साहब भी मौजूद होंगे सरताज अजीज साहब सबसे पहले तो हम आपकी तरफ आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस कशीदगी के माहौल में पाकिस्तान का भारत जाना क्यों जरूरी था इसका जवाब दे दीजिएगा जी हमारे जाने में दो बुनियादी पैगाम थे एक तो ये कि जो हमारा बायो लेटरल कुछ डिफरेंसिस अगर होंगी या टेंशन हों तो उसका असर जो बैन अवी या मल्टी फोरम है उस पर नहीं पड़ना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान ने सार्क में कोशिश की तो इसलिए यह हमारा एक पैगाम था दूसरा ये कि हार्ट ऑफ एशिया जो है ये अफगानिस्तान में अमन के हवाले से थी इसलिए हमें ये ज़रूरी था ये पैगाम देना कि हम इस अफगानिस्तान में हमारी गहरी दिलचस्पी है वहाँ पे अमन और खुशहाली के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमारी गैर मौजूदगी जो है उसको गलत समझ आता और तीसरी बात ये थी कि समिट में तो ये होता है कि अगर एक मुल्क ना आए तो मीटिंग नहीं हो सकती ये उस किस्म की मीटिंग नहीं थी अगर ये मीटिंग पाकिस्तान के बगैर होती जो इस फोरम का एक फाउंडिंग मेंबर है तो उसका बहुत गलत मैसेज जाता तो इन वजूहत से हमने ये फैसला किया और ये पहले बहुत अच्छा फैसला था क्योंकि ज़्यादातर जो डेलीगेट्स थे उनसे जब मैं मिला तो उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप इन हालात में आए और अपने प्रेजेंस शो की ये बहुत अच्छा फैसला था और इसलिए सबने इसको अप्रिशिएट किया सरताज अजीज साहब हम अफगानिस्तान के लिए गए अफ़गानिस्तान में हम अम चाहते हैं हम चाहते हैं वहाँ पे एक बेहतर माहौल हो अफगानिस्तान के लिए हमारे इतने अच्छे और नेक जज्बात है लेकिन अफगानिस्तान जिसके लिए हमेशा पाकिस्तान ने कन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की हमेशा मुश्किल वक्त में उनके काम आए मेहमान नवाजी की उसके बावजूद हम देखते हैं कि अफगान सदर वहां पर पाकिस्तान के बारे में किस तरह के जज्बात का इजहार करते हैं क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाती है हर दफा अफगानिस्तान की जानब से अफगान सदर का ये हॉस्टाइल एटीट्यूड इस पे क्या कहेंगे सर मैं वहाँ पे जो हालात हैं इंटरनली वो काफी कशीदा हैं क्योंकि पिछले दो महीने में इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है अटैक्स की और बहुत से जाने वहाँ पे जाया हुई हैं फोर्सेस को अटैक्स हुए हैं तो उस माहौल में नेचुरली वहाँ पे बहुत नर्वसनेस है तीसरी चीज जो है उसमें वो ये है मसला उसमें जो बुनियादी वहाँ पे एक रुझान बन गया कि जो बात खराब हो उसका पाकिस्तान पे बलबा डालो तो ये दोनों मिलकर ये बात हुई है लेकिन मेरी सुबह उनसे जो मुलाकात हुई उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी मतलब पाँच सौ मिलियन डॉलर हमें दिए हैं उसकी उन्होंने खुद प्रपोज किया चाना कि चाइना ने प्रपोज किया एक लेटर कमीशन बने जिसमें हम तीनों मिलकर प्रोजेक्ट करें ताकि चाइना भी उन प्रोजेक्ट में शामिल हो को फाइनेंसिंग कर सके तो मैंने कहा ठीक है वो एग्री हो गया था तो वो एक मेरे ख्याल है अपने जो होस्ट हैं वहाँ उनके उनकी दबाव में या उनको खुश करने के लिए उन्होंने कुछ बातें कर दी लेकिन हमारा मकसद था कि हम पॉजिटिव सिग्नल दें और इंडिया की कोशिश कि हमारे ताल्लुक खराब हों वो कामयाब ना हों और इसीलिए हमारा जो रिश्ता है बहुत तारीखी है बहुत अहम है पीपल टू तो पीपल हम तो नेक्स्ट डोर नेबर हैं तो उसमें जो हमारा ताल्लुक है वो जारी रहेगा तजारत भी हो रही है आने जाना भी हो रहा है और हम जो वहाँ कोशिश कर रहे हैं रेफ्यूजीज को भी ठीक तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हमारा सही सिग्नल था और हम इस कोशिश को जारी रखेंगे सताज अजी सब आपने ये जो कहा कि भारत के दबाव में आकर अफगान सदर ने इस तरह की बात की किस तरह का दबाव था क्या दबाव था भारत का अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बोलने के लिए दबाव ये है न जी की वो अफगानिस्तान चाह है कि डेवलपमेंट साइड पर उनको ये एश्योरेंस कर ली है कि हम आपकी मिलिट्री इमदाद भी करेंगे और आपसे मस तिज़ार, तजारत पर उन्होंने उनको फ्लेट रेट बहुत कम कर दिया है एयर कॉरिडोर बना रहे हैं जो एयर फेयर हैं वैसे वो भी कम कर दिए हैं तो वो मजबूत तौर पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके लिए ज़्यादा मुफीद हैं लेकिन जाहिर है कि उनका बॉर्डर चूँकि उसके साथ नहीं मिलता हमारे साथ जिस किस्म की तजारत उनकी हो रही है वो बायर हो ही नहीं सकती यानी मजमूरी तौर पर जो हमारे उनसे देरीना तालुकात हैं पीपल टू तो पीपल और दूसरे कबाली एक दूसरे की तरफ रहते हैं वो तो नहीं हो सकते तो ये वक्ती तौर पर उनको एक वो दे रहे हैं लेकिन अफगानिस्तान को भी एहसास है कि उन्हें ये बैलेंस रखना पड़ेगा दोनों रिलेशन में, क्योंकि हमारे और अफगानिस्तान हमारे और अफगानिस्तान के और उनके ताल्लुक में अपना अपना मुकाम है उसका वो नहीं हो सकते हिंदुस्तान डेवलपमेंट में में और ट्रेड जो मर्जी करे अच्छा लेकिन सर्ता, सर्ता सर्ता सर, सर, आ, आपकी बात अपनी जगह ठीक है बिलाशक बहुत से तान चाहिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने हमेशा जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है हमेशा मामला फहमी से काम दिया है लेकिन सवाल वही जो आपसे आगाज में किया आखिरी सवाल है ये हमारा पहला सवाल भी यही था कि क्या वजह है कशीदगी के इस माहौल में सरताज अजीज साहब को क्यों जाना पड़ता है उस हमसाय मुल्क में जो हमसाय के तमाम आदाब भुला बैठा है

जो मौकफ है कि हमने एक बैलेंस रिलेशनशिप रखना है डायलॉग की कोशिश करनी है और टेंशन को डिफ्यूज करना है हमें कुछ ज़्यादा ब्रेक थ्रू की तो नहीं है इस मौजूदा गवर्नमेंट से लेकिन हम नहीं चाहते कि एल ओ सी पर ज़्यादा टेंशन हो बेगुनाह जाने जाए हों या मजमूई तौर पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है दोनों ममालिका वो खराब हो तो हमारा ये पोस्चर तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया यही हमारे लिए बुनियादी बात है कि हमारे हम सही सीमत में जा रहे हैं और हिंदुस्तान बिलावजा होस्टली कर रहा है अपने मखसूस मफाद के लिए वो दुनिया में कोई भी नहीं अप्रिशिएट करेगा और इसलिए हमें इसमें ज्यादा पजीराई मिलेगी चलिए ठीक बहुत शुक्रिया सरताज अजीज साहब हमसे बात करने के लिए नाजिन हमने मौक़ लिया सरताज अजीज साहब मुशर खारजा हमारे साथ, साथ मौजूद थे उनसे हमने जाना कि आ, क्या वजह थी आ, कि हम वहाँ पर गए किस उम्मीद के साथ हम वहाँ पर गए और क्या सलूक किया गया सफारतकारी के जो आदाब है उन्हें भी मलूस खाते नहीं रखा गया भारत आ, अपने जारहाना रवैये के कौन कौन से रूप दिखाएगा इस पर हमने बात की हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब मौजूद है स्टूडियोज में हमारे साथ आबदा हुसैन साहब मौजूद है और खुर्शीदी कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है कुछ देर के बाद फैसल करीम कुंडी साहब भी क्या होना चाहिए था इससे हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया है और भारत कैसे हमारी कमजोरी समझता है वाकई कामयाब हम दुनिया को ये बताने में हम अम के ख्वाहिशमंद एक ब्रेक हमारे साथ रहेंगे welcome back nasjain आ, बात कर रहे हैं हम इस वक्त सरताज अजीज़ साहब जो हमसाये मुल्क गए और जिस पैगाम के साथ गए और वहाँ पर जो कुछ हुआ और उसके बाद वो जो वापस आए तो हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया जरा इसका हम तजिया करना चाह रहे हैं हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में दफाही का जनरल टायर अहमद शेख साहब मौजूद है सबक अमरीकी सफीर आबदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है तेरिकन साहब से सबक वज़र ख़ाराजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ रहनम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुनी साहब हमारे साथ मौजूद है बेगम साहब आप की तरफ आएंगे सवाल जो एक हमने किया सरताज जी साहब से कि इस कशीदगी के माहौल में जो जाने का फैसला किया गया वो क्यों किया गया और आया ये फैसला एक दुरुस्त फैसला था आप क्या कहते हैं देखिए हमारे पास जवाब तो था कि हिंदुस्तान की जो कार्रवाई रही है एलओसी पे उसके बाद हम ना जाएं लेकिन हमने जाके और एक फराह दिली का सबूत दिया और एक रीज़नेबल रियासत होने का हमने सबूत दिया अब वहाँ जो हिंदुस्तान ने हमसे बर्ताव किया है सरताज अजीज़ साहब को वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना और बहुत हमें तनकीद का निशाना बनाया तो इससे हिंदुस्तान की मैं समझती हूँ कि कम ज़रफ़ी का इजहार होता है हिंदुस्तान को कतई तौर पे यह एहसास नहीं है कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की जंग में बहुत कामयाबी हासिल की है और आ, आ, इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को भी यकीन हुआ है हमारा पड़ोस है अफग़ानिस्तान को भी हुआ है मुझे तकलीफ़ हुई अशरफ गनी के रवैये से क्योंकि उन्होंने हमारी तमाम तर जो हमने ख़दम्त अदा की अदा की हैं अफ़ग़ानिस्तान के हवाले से उनको उन्हों, उनको उन्हों, उन्होंने नजरअंदाज करके और नरेंद्र मोदी के साथ हां में हाँ मिलाई इससे मुझे मायूसी महसूस हुई है और uh, मैं समझती हूँ अशोक वनी के साथ इस, चाहिए। but was it not expected कि वो इस तरह की बात करेंगे अशरफ वनी जब से सदर बने हैं कई मरतबा पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की कोशिशों को भी सहराया है जो जरब अज़हब के बायस की गई हैं ख़ास तौर पर उनको सो so, मैं नहीं समझती कि ये कोई मुतव बात थी जो उन्होंने की और मैं ये समझती हूँ कि हमें उनके साथ आ, मुखरत करने चाहिए और उनके रवैये को आ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बदले सिचुएशन बेहतर हो जाए कसूरी साहब आप क्या कहते हैं जिस तरह का रवैया हमने रखा जिस तरह का जेस्टर हमने दिया जो पोजीशनिंग हमने करने की कोशिश की क्या हम उसमें कामयाब हुए और सरताज अजी साहब का ये जाना आपकी मैं बातें गुफ्तु गुजरात दिनों भी सुनती रही आपने कहा कि एक अच्छा जेस्टर था जाना चाहिए था लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर जरा कॉमेंट कीजिएगा और जो अफगान सदर है उनका जो रवैया था उस पर आप क्या कहेंगे देखिए एक बात है कि अशरफ गनी साहब ने ऐसा रवैया अपना के अपनी अहमियत को खुद नुकसान पहुंचाया है एक बात क्लियर है कि भारत पाकिस्तान का सब्सटीट्यूट नहीं है अफ़ग़ानिस्तान में ये कलीदी तारीख़ी हकीकत है इससे ना तो नरेंद्र मोदी झुटला सकते हैं और ना अशरफ गनी अशरफ अफ़नी आते जाते रहेंगे उनकी अपनी हुकूमत नहीं चल रही सात वजीर उनके पिछले हफ़्ते पार्लियामेंट ने डिसमिस कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अफ़ग़ानिस्तान में आपस में बनती नहीं उनकी एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है मैं नहीं कहता हमारी गलतियां नहीं ऑफ कोर्स वो मैं उस पर बाद में आऊँगा लेकिन वो उन्होंने बड़ा आसान समझा कि तमाम जो अपनी कमजोरियां हैं उसको पाकिस्तान की तरफ उन्होंने धकेल दिया ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने आ, ये ठीक है उनको हमसे गिले रहे हमें उनसे गिले रहे अमरीका से लेकिन उन्होंने जब अपनी पब्लिक को बताना था कि एक ट्रिलियन डॉलर ख़र्च किया और अमरीकी जानों का ज़ाया हुआ तो जब वो नहीं बता सके कि कामयाबी क्यों नहीं हुई सच नहीं बता सके तो उन्होंने भी यह कहा जी पाकिस्तान की वजह से है एक तो यह इसकी रुख है और इनके जो बयान आया है इससे इन्होंने अपना स्टैचर अशरफ गनी ने कम किया है अगर ये बातें खुल्लम खुलम खुला मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा होता मेरे सामने बैठ के कहते तो इतनी बुरी बात ना होती कमरे में नरेंद्र मोदी के सामने बैठ के भारत की सरजमीन पर बैठ के उन्होंने अपना इतना वक़ार कम किया है कि उनको आहिस्ा आहिस्ता इस आईस बात का अंदाज़ा होगा अब मैं कुछ सख्त ज़बान क्योंकि मेरी ट्रेनिंग नहीं है इस्तेमाल नहीं कर सकता बहुत घटिया किस्म का वहाँ रवैया दिखाया गया जो कि उनकी शायान शान नहीं था हमारा अफ़ग़ानिस्तान एक बरदर मुल्क है ये एक ऐसा मुल्क है जिससे बावजूद इसके कि हुकूमतों के लेवल पर ताल्लुक अच्छे नहीं रहे पब्लिक टू पब्लिक लेवल अनटिल रिसेंटली बहुत अच्छे रहे अभी रेफ्यूजीज़ की रिपेट्रिएशन पे कुछ मसले आए हैं लेकिन ये दूर हो जाएंगे हमारे तारीख़ी तमदनी मज़बी रिश्ते हैं उनके साथ तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो उनका बिहेवियर था वो बहुत ही इट लेफ्ट मच टू बी डिज़ायर्ड और नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी की बात तो वाजह है वो तो कोई मौका हाथ नहीं जाने दे रहे यूपी और पंजाब के इलेक्शन से पहले वो बताना चाहते हैं मैं मैं मैन हूँ स्ट्रांग मैन हूँ मनमोहन सिंह कमज़ोर आदमी था बल्कि वाजपेयी भी कमज़ोर था मैं मजबूत हूँ और मैं पाकिस्तान से डील करूँगा नरेंद्र मोदी की तो बात समझ आ रही है और उनका भी कुछ नहीं बनेगा क्योंकि मसला है कश्मीर उनके गले पड़ा है और वो आज के दौर में मुमकिन नहीं कि कश्मीरियों को इस तरह वो अपना गुलाम बना के रखे तो उनकी बात समझ आ रही है लेकिन इनकी जो बात है अफसोसनाक भी है और इसके उनके अपने लिए अच्छे नतज नहीं सही ठीक है आप भी मैं सही बात को करूं, को करूं, को जी जी बिल्कुल अच्छा अमजु शेख साहब आप भी सारी गुफ्तु सुन रहे हैं जिस तरह की की हमने वही सवाल कि इस मौके पर हमारा जाना आपको क्या लगता है एक कामयाब हमने पॉलिसी अपनाई एक तो ये चीज़ दूसरी बात जो अफगान सदर का बयान सामने आया दहशतगर्दी के डांडे जो है वहां से जुड़ते हैं तहरीके तालिबान की जो क्यादत सारी है वो वहां पर बैठी हुई है इमदाद हम देते हैं और वो कहते हैं कि इमदाद देने के बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे जब हम कहते हैं कि हम कार्रवाई करें तो हमें कार्रवाई करने नहीं दी जाती इस पर जरा कॉमेंट कीजिएगा चाह क्या रही है अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो की पोस्टिंग है जिससे अभी खुर्शीद कसूरी साहब ने कहा कि एक बहुत ही गैर मुनासिब तरीका था इस तरह से जहां पर मोदी भी मौजूद था एक पूरी दुनिया जो है इस पूरी कॉन्फ्रेंस को देख रही थी सुन रही थी वहां पर खड़े ओके okay. एक अपने ہمسائے मुल्क एक मुसलमान मुल्क के हवाले से इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना इस तरह के जुमलों का इंतखाब करना क्या पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेटजी है अभी भी वैसी ही रखनी चाहिए वहां से बेशक जिस तरह के मर्जी बयान आते रहे सुल्ला रहमान रहिम देखिए कसूरी साहब ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है मैं मुत्तफिक हूं एक चीज जो मैं वाज़ह करना चाहता हूं एक चीज़ जो मैं वाजे करना चाहता हूं वो ये कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड था इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से दो दिन पहले ही इंडियन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस पर बातचीत शुरू हो गई थी और उसमें उन्होंने बड़ा वाज तौर पे कहा था कि मोदी मोदी और अशरफ़ गनी दोनों मिल के पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और ये ये इशूज़ होंगे ख़ास तौर पर उन्होंने दो चीज़ों की बात की जिसमें कि कनेक्टिविटी और टेररिज़म का था अब चीज़ यह है कि क्या सरताज अजीज साहब वहां पर तैयार होके गए जो जाना था उनका वो तो बिल्कुल मुनासिब था जाना चाहिए था और मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए कोई भी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए ख़ास तौर पर यह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जहां सिर्फ इंडिया नहीं था और तकरीबन चालीस ममालिक वहां पे वज्र खारजा और नुमाइंदे बैठे हुए थे तो ये तैयारी ना होना जो है वो सबसे बड़ी खराबी थी मेरा ख्याल है कि सरताज अजीज साहब को ये वाज करना चाहिए था कि ये फॉरम बिल्कुल तराशियों का नहीं है लेकिन चूंकि अफगान सदर ने यह बात की है और मोदी साहब ने यह बात की है तो मैं कम अज कम इसमें यह जरूर इजाफा करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जो टेरिज्म होता है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से होता है अफगानिस्तान उसका जवाब क्यों नहीं देता और और फिर जब हमने सत्तर दफा अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट ऑफर किया है जो उन वो दसतों के लिए सिर्फ एक सरमनी करनी थी कि अफगानिस्तान उससे निकल गया फिर हमने बॉर्डर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट के लिए उनको कई दफा रिक्वेस्ट की है वो नहीं वो करते फिर हमने 2014 अगस्त में उनको भेजा था कि ये कम्युनिकेशन टावर्स जो दोनों तरफ लगे हुए हैं सरहद के ये एक दूसरे के सिम्स इस्तेमाल होते हैं दूसरे मुल्कों में इनकी एडजस्टमेंट और इनकी रिलोकेशन की जरूरत है वो एग्रीमेंट आज दिन तक वापस नहीं उन्होंने किया तो उसको कम अज कम ये बताना चाहिए था कि आप अपने अंदर झांके जो कुछ हो रहा है उसके खुद आप जिम्मेदार हैं और सिर्फ मोदी की जबान बोल देने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे फिर पांच सौ मिलियन का जो उन्होंने जिक्र किया वो इंतहाई नाशुकर इंसान का एक घटिया इंसान का वो तौर तरीका था पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो खुद आई एम एफ से कर्जे लेके अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट देके चलाता है और इन हालात में एक ब्रादर मुल्क के लिए सौ मिलियन डॉलर निकालते हैं यह बहुत बड़ी बात है इंडिया, इंडिया के टू बिलियन डॉलर से इसकी बुकत कहीं ज्यादा थी उस लिहाज से कि पाकिस्तान खुद मसाइल में घिरा हुआ है हमारी इकोनॉमी तबाह की हुई है तो उसका बजाय उसको शुक्रगुजार होने के हमें यह बताना चाहिए था कि गो के हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे लेकिन आपको इसकी कदर मालूम होनी चाहिए कि हम अपनी मुश्किल के बावजूद आपको यह पैसा दे रहे हैं और जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है वो तो हम लड़ ही रहे हैं तो ये चीजें जो थी ये मेरा ख्याल है कि हमारे सरताज अजीज साहब ने वहां पर बात ना करके सिर्फ सुन के आ गए अगर कहीं भी जाके आप सिर्फ चार्जशीट लेके आ जाए या इल्जाम की एक बौछाड़ आपके ऊपर हो जाए और आप जमा करके इल्जाम लेके आके अपने घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उसका कुछ मदावा करें मैं समझता हूँ वो जाती है हमारे साथ भी और अप, आप, आपके अपने अपने <coughs> फॉरन पॉलिसी के साथ भी ये काम नहीं होना चाहिए आप जो जो बड़ी अच्छी बात, बात आपने आपने लेकिन तैयारी बड़ा आता है ठीक है हमारे साथ की तर्जमानी तो करें वहां पे बिल्कुल सही कॉम के जज्बा की तर्जमानी तभी होगी जब हमारी कोई वाज खारजा पॉलिसी होगी जब हमारा कोई बाकायदा वजीर खारजा होगा तो फिर ही कॉम के जज्बा की तर्जमानी होगी ना जनरल रिटायर्ड एमजी शेख साहब आपने बहुत ही अच्छी बात की फैसल करीन खन्नी साहब उन मुतालबात में से एक मुतालबा बाकायदा वजीर खारजा होना चाहिए एक फॉरन पॉलिसी होनी चाहिए जनरल साहब ने कहा कि कौम के जज्बात की तर्जुमानी तभी मुमकिन है हमारे जो ताल्लुक हैं हमारे हमसाय ममालिक के साथ हमारी जो पोजिशनिंग है जो इस वक्त शायद सफर कर रही है क्या कहेंगे मैंने अपने सीनियर्स को मैं कहूँगा कि सुना और जो कल जो वाक्य हुआ जो चीज़ भी है देखिए पहले तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है अफगानिस्तान आज ये क्यों कर रहे हैं बहुत गलत बात हुई है लेकिन क्यों हो रहा है आज हम क्यों इस पूरे खत्े में तनाव के खड़े हो गए हैं जब आपके जो वजीर अजम साहब है उसके घर से ही ऑफिस भी चलेगा उसके घर से सब कुछ चलेगा तो यही हालात होंगे ना मीडिया भी चलेगा आप थोड़े दिन पहले जाए ना जब यूएस प्रेजिडेंट को फोन किया उन्होंने हुआ बात के लिए उनके घर से उनकी बेटी ने एक प्रेस रिलीज दे दी कि यूएस प्रेजिडेंट ने ये ये कह दिया सी एन पे आ गया कि नहीं हमने तो ये कुछ नहीं कहा और ये

उनको पता है कि उनकी फॉरन पॉलिसी कितनी नाकाम उसके बावजूद भी आपने भेज दिए वो चले गए हैं ये एक्सपेक्टेड था साथ में आपके साथ उन्होंने जो कुछ किया एक्सपेक्टेड था आज आप देखें कि आज हम तकरीबन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले अगर क्रॉसिंग बीस हजार लोगों की हो रही थी आज दो हजार वीजे ईशू कर रहे हैं आज, आज आपकी जो हमारे खासकर खैबर पख में हमारी जो हेल्थ टूरिज्म है वो तकरीबन बंद हो गए जो कि पेशेंट्स यहाँ आते थे आपको पता देखो अब इंडिया जा रहे हैं इंडिया का एयर फेयर पहले चालीस हजार रुपये था आज चार हजार रुपये हो गया है वो सारा आपका जो है हेल्थ टूरिज्म उधर लेके जा रहा है तो इस चीज़ को आप देखें आज वो जो बॉर्डर आप हमने बंद किया अगर हम हमें वीज़ा ज़्यादा करने चाहिए आज आपके पेशावर के मेन हॉस्पिटल जो हैं वो तकरीबन आधे बंद हो चुके हैं इसी वजह से हम देखें हमें भी हमारी हुकूमत को बैठना चाहिए वो तो सरबे अज़ब और फौज की बात तो नहीं कर रहा ना वो कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनका अपना प्रॉब्लम हो रहा है वो बैठे नाकूमत क्यों नहीं बैठती आप देखें ना कितना अंगेज किया हमने अफगानिस्तान को इस दौर में आप बताए ना ये चीजें तो डर होती है ये नहीं कि आप मीडिया के जरिए लेकिन आपने कितना डायलॉग उनके साथ किया है कितना आपने उनको अंगेज किया मैं अगर चाइना और तुर्की की मजबूरी हम ना ना होते तो शायद वो भी हमारे साथ आज होता ये दो बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी तो ये दो हमारे साथ हैं कैसे हालात में उन हालात में जहाँ पाकिस्तान को अपना <coughs> आप मनवाना है दुनिया को बताना है कि हम एक अम पसंद मुल्क है और हम अपने हमसायों के साथ एक अच्छे ताल्लुक चाहते हैं वहाँ पर हमारी खारजा पॉलिसी का वाजह होना एक जो वजीर खारजा ये जो डेजिग्नेशन है इसका सही तरीके से फिल होना हमारे क्या तकाजे है उनको दुनिया तक किस तरह से पहुँचाना ये सब इनका होना बहुत जरूरी है जहां बात हो रही है सफारतकारी तो सफारत जहां पाकिस्तान पर तनकीद की गई जैसे अभी कि अभी फैसल करीन गुंडिया साहब ने किया है सदर ट्रंप का और यहां पर किस तरह से उसे पहुंचाया जाता है मीडिया तक तो जहां बात की गई कि पाकिस्तान में सफारतकारी के आदाब को मलहूज खातिर शायद नहीं रखा गया वहां ट्रंप के बारे में भी यह कहा गया कि जिस तरह की गुफ्तु वो दीग ममालिकरबराहान के साथ इस वक्त कर रहे हैं तो वो भी सफारतकारी के आदा के मुताबिक नहीं है सफारतकारी के आदाब क्या है किस तरह से मामला को आगे बढ़ाना चाहिए इस पर अभी हमारी गुफ्तु जारी है हमारे साथ ही रहिएगा वेलकम बैक्जी बात कर रहे हैं सरताज अजीज साहब जो अभी हमसाये मुल्क से एक दौरा करके वापस आए हैं आया ये कामयाब दौरा था सफारतकारी के आदब पे भी हम बात करें बेगम आपता हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में बेगम साहब ये बताएं कि जो भी हमने बात की सफारती आदाब क्या दुरुस्त थे भारत ने जो किया किस कदर वो अपनी जारहाना जो तबीयत है जो रवैया है उसमें आगे बढ़ता जा रहा है इसका जा रहे इस पर तो जरूर कमेंट कीजिएगा साथ ही साथ सरताज अजीज साहब के वाले से ये कहा जा रहा है कि जो सख्त रवैया शायद उन्हें अपनाया अपनाना चाहिए था जो मोदी ने बातें की या जो अफगान सदर ने बातें की उसके जवाब में वो आपको लगता है कि उसका जवाब एक सख्त होना चाहिए था और उन्होंने वो रवैया नहीं इख्तियार किया जी देखिए ये उन्होंने रवैया बिल्कुल इख्तियार किया है Uh, हिंदुस्तान uh, बहुत इस वक्त एक अनरीजनेबल फ्रेम ऑफ माइंड में है उसकी uh, बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे रियासत में इलेक्शंस हो रहे हैं पंजाब में और उत्तर प्रदेश में और नरेंद्रा मोदी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर जा रही है तो वो चाहते हैं कि वो जारहाना रवैया पाकिस्तान की जानब इख्तियार करके और अपने वोटों को बनाए लेकिन अब इलेक्शन में क्या होता है जारहाना रवैये का हिंदुस्तान की आवाम क्या नोटिस लेती है किस हद तक वो तो आगे चल के देखा जाएगा बुनियादी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब से इकतदार में आए हैं आ, पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लक जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाए बल्कि वो बदतरी की तरफ चलते चले गए हैं इसकी आ, इसके अलावा कश्मीर में भी सिचुएशन अप हुई है काफ़ी मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनको उसका भी यकीन दबाव है बैनवामी सतह पर अलबत्त नरेंद्र मोदी को कोई भी तनकीद उसको कोई नहीं कर रहा और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंडिया का बहुत बढ़ चढ़ के तारीफ की जिक्र किया तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल हैं कि बैन अवी सतह पे उनको कोई तनकी नहीं मैं ये समझती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो गैप है इस वक्त वो ये हमारी चार रियासतों के साथ बॉर्डर है ईरान अफगानिस्तान चीन और हिंदुस्तान चीन के साथ तो हमारे ताल्क बहुत आ, अच्छे हैं अफ़ग़ानिस्तान जैसे कि हमने अभी देखा शो गनी के बयान के बायस कब कभी उतार कभी चढ़ाओ ईरान के साथ हमें अपने ताल्लक जो हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि कम अज़ कम हमारी दो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ उनके साथ हमारी इतनी ताल्लक हों कि वो हर मौके पर हमें उनकी पजीराई हासिल हो सो so, ये एक गैप है जो कि मैं समझती हूँ कि हमारी खारजा अमूर में काफी है और इसको फिल करने की जरूरत है बिल्कुल सही जी कसूरी साहब जैसे कि अभी बेगम साहबे ने कहा कि एक गैप जो है उसको फिल करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मोदी जो सब कर रहे हैं वो इज़ प्लेइंग विद सेंटीमेंट्स ऑफ पीपल लोगों को खुश करने के लिए शायद जो कहा जा रहा है और जो एक सपोर्ट है उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की उसको भी वो अपनी एक ताकत समझते हुए उसको इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे में सवाल मेरा वही है कि सरताज अजीज़ साहब ने क्या आ, पाकिस्तान का मौकफ और जिस तरह के पेश किया जाना चाहिए था आफ्टर वट दे हैड There. जो मोदी ने कहा या जो वहां पे अफगान सदर ने कहा उसके बाद सरताज अजीज साहब का रवैया जो है वो इसी तरह नर्म होना चाहिए था रशियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी साइड लेते हैं वो कहते हैं कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए लेकिन हम उस तरह से अपना शायद मौकफ सामने नहीं रख पाते आपको ऐसे लगता है देखिए सरताज साहब एक तजुर्बेकार तो आदमी है लेकिन मेरा अपना यह ख़्याल है कि अगर वहाँ जैसे जनरल साहब ने पहले कहा कि क्योंकि मौका नरेंद्र मोदी ने और अफ़गान सदर ने मुहैया कर दिया था तो उसका मेरा ख़्याल है जवाब दिया जा सकता था पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि जो हमारे ताल्लुक हैं उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से शय मिल रही है अफगानिस्तान को और हिंदुस्तान को वो हमारे ताल्लुक अमरीका के साथ जो हैं वो इतने ख़राब हुए हैं पिछले दिनों में क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी के पहले ये एक सतून होता था या दो सतून थे कि बक वक्त अमरीका और चीन से हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे होते थे चीन से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे दौर में है तो हमने उसको और मज़ीद मजबूत किया और जो डिफ़ेंस कोऑपरेशन है जेएफ एफ सेवनटीन फ्रिगेट्स की और ये जो सैटेलाइट्स हैं कल खाल, खाल टैंक्स हैं न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसने उसको अंडरपिन किया लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका से ताल्लुक जो है ख़राब करें हमको नॉर्थ कोरिया नहीं बनना चाहते अमरीका चीन को भी उस वक्त हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत थी चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा है जब हमारा सारी दुनिया से और इस्लामी दुनिया से मगरब से अमरीका से बहुत अच्छे तल्लु थे और हम उसके लिए रास्ता भी बने अमरीका और चीन के तल्ल को बेहतर करने का जब किसें गर्भ पाकिस्तान वहाँ गए और पहला बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ माउज़े टूंग का और प्रेजेंट निकसन का तो एक तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी ईरान की बात तो मैं सौ फीसद जो बीबी -बी कह रही हैं बीबी आपदा हंड्रेड परसेंट अग्रीमेंट में हूँ और मैंने पूरी कार्रवाई की थी उस वक्त देखे जब चाइना पाकिस्तान इंडिया वो बन रहा था ना पहले चाइना पाकिस्तान बन रहा था फिर इंडिया ने पाइपलाइन की बात की और हमने अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त किया और हमने कहा हम ये पाइपलाइन बनाएंगे फिर जब वियना में वोटिंग हुई हिंदुस्तान अमरीका के डर के हम उससे मुतासर हो हिंदुस्तान ने वोट ईरान के ख़िलाफ़ दिया हमने नहीं दिया तो ये सारी वजह थी कि हम समझते थे कि हमारे ताल्लुक ईरान से बहुत अच्छे होने चाहिए अमरीका से होने चाहिए और जहां तक खारजा पॉलिसी का है मैं तो बहुत एहतराम करता हूं सरताज अजीज साहब का लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया गया उनको फॉरन मिनिस्टर नहीं बनाया गया

फॉरेन पॉलिसी जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो फॉरेन ऑफिस नहीं फ़ातिमी ऑफिस बन चुका है इस वजह से वहां पे बाकी लोग जो हैं वो काम करने से गुरेज कर रहे हैं और ये हालात वहां अच्छे नहीं हैं जो बात आप कर रही हैं देखिए बात ये है कि हिंदुस्तान में जो मीडिया और जो उनके पब्लिक को मैसेज गया है वो ये गया है कि हिंदुस्तान तो एक बहुत ही मासूम मुल्क है लेकिन पाकिस्तानी वो मुल्क है जो कि टेरज़म करवाता है पाकिस्तानी वो मुल्क है जो अफगानिस्तान में भी मुसीबत खड़ी कर रहा है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो क्लियर होनी चाहिए हम कब कप तक अपने मुंह पे ये 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 इल्जाम लेके फिरते रहेंगे तो ये हुकूमत का काम है।, है।, है मैं समझता हूं हर फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए और वहां पर कम अज कम दूसरी साइड को आईना दिखाना चाहिए हमें ठीक है ठीक है कुंडी साहब आप क्या कहेंगे आखिर में अपना भी <laughs> तज्जिया दे दीजिए मुख्तरा चूँकि वक्त हमारे प्रोग्राम का की जा रहा है कि आप लोगों ने भी कहा कि अगर ये तमाम चार मुतालबात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनमें से एक मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर हम लोग बाहर निकलेंगे सड़कों पर निकलेंगे इस वक्त जो सिचुएशन सारी नजर आ रही है वो भी यही है कि चूंकि हमारी खारजा पॉलिसी वजह नहीं की गई इस वजह से ये तमाम मसायल है आपका तज्ली मसाइल है सारी दुनिया कह रही है कि मसाल हैं आपके सबके तजयन मिनिस्टर के न होने की वजह से मसायलिए आपने ईरान की बात की मैं समझू ईरान तो के लोग हुकूमत बहुत अच्छी है जो जो हमने जितने तल्क ईरान के साथ खराब किए हैं वो कम अज़ कम बोल तो नहीं रहे ओपनली जिस तरह अफगानिस्तान या इंडिया बोल रहे हैं हमारे तलुकत ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं है और मेरे ख्याल में वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा, जा रहे हैं चाइना एक हमारी आपस की मजबूरी है, है जो भी हमारे बड़े से लेकिन इन तीनों के साथ आपके जो है बहुत जरूरी है, है बहुत जरूरी है साहब के हमारा जो पॉलिसी का जो गैप है इसको फिल किया जाए ताकि वो तमाम ममालिक जिनके साथ के हमारे अच्छे हो सकते हैं वो बेहतर हुए इससे पहले कि हम कोई और एक अच्छा दोस्त खो दे इससे पहले कि हम जो दुनिया के सामने अपनी एक शक्ल रखना चाहते हैं जो कि हम असल में है वो हम सही तरीके से रख सकें आप सबका मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा मुझे मेरी जब तक इनको इजाजत दीजिएगा अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा अल्लाह